अब जरूरतमंदों को भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें शहर के प्रमुख चौराहों व स्थलों पर से ही भरपेट भोजन मिलता रहेगा। भोजन की थाली भी सिर्फ 5 रुपये में मिलेगी। चलित रसोई की वैन अलग अलग स्थानों पर घूमेगी और लोगों को भरपेट भोजन कराएगी। दीनदयाल रसोई योजना में गुरुवार को बस स्टैंड पर विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार ने फीता काटकर एवं हरी झंडी दिखाकर चलित रसोई का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अपने हाथों से गर्मा गर्म भोजन की थाली बस स्टैंड पर मौजूद मुसाफिरों और जरूरतमंदों को दी। सभी ने तृप्ति के साथ भोजन किया। वैसे तो शहर के 3 स्थानों पर दीनदयाल रसोई योजना संचालित हो रही है। अब चलित रसोई वाहन से यह सुविधा शहर के प्रमुख चौराहा, जिला अस्पताल, बस स्टैंड आदि स्थानों पर नियमित रूप से मिलेगी। विधायक श्रीमंत पवार ने चलित रसोई का शुभारंभ करते हुए लोगों को भोजन भी कराया। इस दौरान बड़ी संख्या में राहगीरों ने सब्जी, पूड़ी, पुलाव, गुलाब जामुन का लुत्फा उठाया। पहले दिन चलित रसोई बस स्टैंड के बाद मजदूर चौराहा पहुंची, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने भरपेट भोजन किया। दयाल रसोईयां पहले से संचालित हो रही हैं, पर ये चलित रसोई आज शुभारंभ हुआ है। ये खुद के लोगों को 5 रुपए में थाली भर के खाना देने का काम करेगा। ये शहर के कौन कौन से मार्ग पे चलेगी, क्या इसका रहेगा? आज बस स्टैंड और मजदूर चौराहे पे जाएंगी और उसके बाद फिर और स्टॉप एड किए गए। मध्य प्रदेश शासन ने अपने लोक कल्याणकारी कार्यों में आज एक नया काम प्रारंभ किया। देवास शहर में चलित रसोई हमने प्रारंभ की है। ये चलित रसोई क्षेत्रों में जाकर भोजन देगी। इसमें 5 रुपये शुल्क लिया जाएगा और उनको भरपेट भोजन इस चलित रसोई के माध्यम से मिलेगा। कितनी गाड़ियाँ संचालित होगी? अभी एक ही गाड़ी संचालित है यहाँ पर और इसमें हम क्षेत्र चिन्हित करेंगे। जैसे मजदूर तबका जो है बाहर क्षेत्र से और अन्य जगह से मजदूर आते हैं, एमजी हॉस्पिटल वाली जगह, बस स्टैंड पर काफ़ी लोग आते हैं, तो यहाँ पर हम 5 रुपये उनसे लेके रसोई चलित रसोई का संचालन करेंगे। उसका आगे रोड मैप बनेगा कि किस जगह आवश्यकता है और कहाँ पर हमको इस वाहन को पहुँचाना है। कितने संख्या में अभी हम न्यूनतम 400-500 लोगों का आप टारगेट मान के चलिए, फिर आगे के समय में जो भी कुछ व्यवस्था बनेगी वैसे उसमें वृद्धि की जाएगी। इसका संचालन कौन करेगा? संचालन इसका नगरीय प्रशासन और आवास विभाग इसका संचालन करता है, लेकिन यहाँ पर देवास नगर पालिका निगम को इन्होंने जवाबदारी। मॉनिटरिंग कौन करेगा? मॉनिटरिंग यहाँ पर हमारा शहरी गरीबी उपशमन विभाग इसकी मॉनिटरिंग।